चिल्ड्रंस डे वो दिन जिस दिन बच्चों का दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे और इसी दिन से बच्चों का दिवस मनाना शुरू किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं आज हिंदुस्तान में बच्चों की हालत क्या है? आज हम बच्चों की हालत पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिखाएंगे कैसे आज भी बच्चे ठंड में रहने को मजबूर हैं, आज भी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, आज भी हमारे देश के बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। एक झुग्गी यहाँ पर है, उस झुग्गी के आसपास मैं पहुंचा हूँ और झुग्गी के पास कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों को अगर आप देखेंगे, ठंड का मौसम है, सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन एक रजाई बिछाई हुई है जमीन पर, उस जमीन पर इन बच्चों का भविष्य आप देख सकते हैं। किसी बच्चे के पास कपड़े नहीं है, किसी की नाक बह रही है, कोई पढ़ने जाता बेटा कोई यहाँ कोई पढ़ने भी नहीं जाता। तो इन्हीं बच्चों से चलिए मैं बात करता हूँ कि बचपन आखिर होता क्या है और किस तरीके से ये लोग बचपन को देखते हैं। बेटा इधर आओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका बेटा? आरोन। आरोन नाम है आपका। हाँ। पढ़ाई की आपने? पढ़ने नहीं जाते आप, तो क्या करते हो आप? हम डैम में जाते हैं। अच्छा, क्या बीनने? कूड़ा बीनने जाते हैं। कूड़ा बीनने जाते हैं, ये है हमारे देश का भविष्य। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ये देश युवाओं का देश है और युवा इस देश को आगे लेकर जाएंगे, वहीं इस देश में अगर बच्चों की हालत पर गौर किया जाए तो इस जैसे मासूम अरुण जैसे बच्चे आज भी कूड़ा बीनने पर मजबूर हैं। समझने की जरूरत है कि आखिर बच्चों का यह भविष्य कौन सुधारेगा। इनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई सब यहीं पर बर्तन धोए जा रहे हैं सड़क के किनारे, शायद मजबूरी है, घर नहीं है इनके पास और सरकारी कृपा का इंतजार आज भी नहीं। भाई सब क्या नाम है आपका? रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, हाँ। कितने समय से हैं यहाँ पर? यहाँ तो काफी साल हो गए, वहाँ पिताजी भी गुजर गए हमारे डिवाइडर के बीच में, तो मतलब सड़क पे ही आपकी जिंदगी गुजर गई। हाँ, 10-15 साल हो गए मैं यहाँ पे। क्या आप लोगों पर क्या शासन प्रशासन या कुछ अधिकारियों की नजर पड़ती है कभी? हाँ, आते जाते देखते जाते, कोई पूछता ही नहीं हम लोगों से कैसे कैसे। कभी नहीं करी हम लोगों से कि कैसे पढ़े हो कैसे नहीं पढ़े हो। आप बच्चों की मम्मी हैं, आइए। ये बच्चों की मम्मी भी हमारे साथ है। पिता ने जिस तरीके से बताया कि सड़क पर जिंदगी गुजर गई, सड़क पर जीते जीते सालों बीत गए, पिताजी चले गए, लेकिन आज भी ये सड़क पर है और हो सकता है ये जो बच्चे हैं जो सड़क पर 20 साल बाद ये भी सड़क पर ही रह जाए। आपका नाम? राजवंती। कितने साल हो गए सड़क पर आपको? बहुत साल हो गए भैया, 10 साल हो गए हमें। तो लगता नहीं कि घर चाहिए? एक हमें घर चाहिए, मकान चाहिए, तो क्या करें, गरीब को कोई नहीं देता। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी? नहीं हो रही है भैया, क्या करें। तो बच्चे क्या करते हैं? कूड़ा बीनते हैं? हाँ, सारे दिन जाते हैं, कूड़ा बीन के आते हैं भैया, हम भी चले जाते हैं, और क्या करते हैं भाई, बस मजबूरी। इसी को कहते हैं कि जब पेट की बात आती है तो आदमी को कुछ और नहीं दिखाई देता, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो ऊंची ऊंची इमारतें हों, चाहे वो बड़े बड़े वादे हों। सवाल है कि देश को आगे ले जाने की बातें करने वाले नेता कब धरातल पर आकर हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और इलाकों में भी हम चलेंगे, वहाँ के हालात भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे आज चिल्ड्रंस डे पर सरकार को मुंह चिढ़ा रहे हैं इन बच्चों की हालत। चिल्ड्रंस डे पर आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की वो हकीकत जहां आज भी हमारे देश के मासूम सड़क पर रहने को मजबूर हैं। अगर मैं बात करूं आज के हिंदुस्तान की, तो आज का हिंदुस्तान कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिन बच्चों को आज स्कूल में होना चाहिए वो बच्चे आज सड़क पर खेल खेल रहे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, पढ़ाई वढ़ाई करते हो बेटा आप? हाँ। जाते हो पढ़ाई करने? हाँ। कहाँ जाते हो? सदर। बच्चे बता नहीं पा रहे कि पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं, लेकिन इनके माँ बाप से बात करके सही पता चल पाएगा कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं। लेकिन अगर हकीकत को देखें तो हकीकत यही है, आज अगर देखें तो बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं खेल खेलने के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए ये सड़क पर ही खेल का मैदान बन चुका है। अगर हम बात करें इन बच्चों के कपड़ों की, तो देखिए आप कपड़ों की हालत देख सकते हैं, बच्चों के पास एक अदद कपड़ा नहीं है पहनने के लिए ठीक सा। हर बच्चे की तस्वीर यही बयां करती है कि आज का हिंदुस्तान आखिर किस तरफ जा रहा है, आखिर कौन से विकास की तरफ हम लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ पर इनके परिजन हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है भाई साहब। विनोद जी। हाँ जी। छोड़िए,
ये बताइए कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? यहाँ पे कम से कम 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं। बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं? बच्चे पढ़ने का जाके जब हमारे पास कुछ आई नहीं तो बच्चे कहाँ से पढ़ाऊंगा जी बताओ। क्या क्या करते हैं बच्चे आपको? बच्चे बस अपने कबाड़ा बाल चूंगे और यही काम करे और क्या करे वो। तो देखा आपने देश का भविष्य, जो देश का भविष्य बनाएगा वो आज कबाड़ बीनने में व्यस्त है। व्यस्त इसलिए क्योंकि वो मजबूरी बन गई है। माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों के लिए उन्हें पढ़ाए, उनकी अच्छे से परवरिश कर पाए, इसीलिए थोड़ी सी मदद उन बच्चों से मिल जाती है जो बच्चे कूड़ा बीन कर लाते हैं। ऐसे में सवाल हुक्मरानों से है, क्या स्मार्ट सिटी बनाने से देश का विकास हो जाएगा? क्या स्मार्ट गांव बनाने से देश का विकास हो जाएगा? सवाल है इन बच्चों का विकास कब होगा, इस धरातल का विकास कब होगा? देश का भविष्य कूड़े में है, या यूं कहें कि सड़क पर कूड़ा बीन रहा है, या फिर चंद पैसों के लिए एक रोटी के लिए सड़क पर भटक रहा है। कुछ बच्चे हमें यहाँ पर दिखाई दिए और इन बच्चों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो 3 बच्चियाँ हैं। इन बच्चियों को अगर देखें, इन बच्चियों की उम्र छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इन्हें यह कूड़ा बीनना पड़ रहा है। अब इनसे ही पूछते हैं कि आखिर कूड़ा बीनने की वजह क्या है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुन्मुन। बेटा इसका क्या करोगे जो आपने लिया? कार को बेचेंगे। अच्छा, इसको बेचकर क्या करोगे? पैसे लेंगे। अच्छा, पैसे नहीं है? नहीं है। तो कहाँ रहते हो आप लोग? बेगमपुर में। बेगमपुर में रहते हो? तो बेगमपुर एक चौराहा है, मेरठ का फेमस चौराहा है और कह सकते हैं कि मेन चौराहा है, और इसी मेन चौराहे पर इन बच्चियों की जिंदगी गुजर जाती है उस रोटी की तलाश में, जिस रोटी के लिए एक इंसान पूरे दिन जद्दोजहद करता है। बेटा आपका नाम क्या है? रूपा। बेटा आप क्या करते हैं? भैया हम कबाड़ मिलते हैं। दादा मर गया तो गुजर गया, दादा भगवान ने हमको गरीब बना गया तो क्या करें? भगवान ने हमको गरीब बना दिया तो हम क्या करें, ये कहना है इस मासूम बच्ची का। सोचिए कितना दिल दुखता होगा इन बच्चों का इस सड़क पर कूड़ा बीनते हुए। बेटा एक बार बताइए क्या मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है? नहीं है। तो आप लोग कितने, आप लोग कूड़ा बीन कर कितने पैसे कमा लेते? भैया कमा लेते क्या करें? हमारे से मांगते रहते हैं कबाड़ मिलते तो कोई अमीर ही नहीं मिला रहे, कोई पैसे ही नहीं मिल रहे, तो हम ऐसे ही करें, हमारे तंबू ऐसे ही रहते हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, वहीं इस देश में बच्चों की हालत अगर हम देखें तो ये है। 14 नवंबर को पूरा देश चिल्ड्रंस डे मना रहा है, लेकिन चिल्ड्रंस डे पर हिंदुस्तान की हकीकत सोचने पर मजबूर करती है। कैमरामैन महेंद्र सिंह के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार 1।